गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे अवर टॉपिक इज सेफ्टी रूल्स वाइल प्लेइंग गेम्स, कि गेम्स खेलते हुए हमें कौन से सेफ्टी रूल्स को का पालन करना चाहिए। प्लेइंग इज अ ग्रेट वन, डू वी नीड टू फॉलो रूल्स वाइल प्लेइंग गेम्स ऑल्सो? खेलना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हमें खेलते हुए भी कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए? यस, वी शुड फॉलो रूल्स वाइल प्लेइंग। Rules help us have more fun without having accidents. So these rules should be kept in mind while playing. खेलते हुए हमें कुछ rules को अपने mind में रखना चाहिए, जैसे do not hit each other, कभी भी एक दूसरे को hit ना करें, धक्का ना दें, push ना करें। do not play a rough game, कभी भी एक rough game ना खेलें, ठीक है, जिसमें किसी को चोट लग सके। ठीक है, आउटडोर गेम्स शुड बी प्लेड इन अ प्ले ग्राउंड एंड नेवर ऑन द रोड और टेरेस। जो आउटडोर गेम्स हैं बच्चे, उनको हमेशा ही प्ले ग्राउंड में खेलना चाहिए और कभी भी रोड या टेरेस पर नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट थ्रो स्टोन्स और ग्लास पीसीज और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स लिटर्ड अराउंड एट ईच अदर। जब आप खेल रहे हो तो आपके आस पास जैसे कुछ पत्थर पड़े होते हैं, ग्लास के मतलब कांच के पीसीज पड़े होते हैं, या कोई और इधर उधर बिखरा हुआ सामान पड़ा होता है, तो वो कभी भी उठाकर एक दूसरे पर मत फेंकें। Never play with sharp objects like a knife or a blade. कभी भी आपको sharp चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए, जैसे knife और sharp blade. ठीक है, safety rules for swimming. अब swimming पे जा रहे हो तो कौन से safety rules को आपने follow करना है? Swimming is a wonderful exercise. One must follow safety rules strictly टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। एक वंडरफुल एक्सरसाइज है बेटे स्विमिंग, लेकिन इसको करते हुए स्ट्रिक्टली कुछ हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम किसी भी तरह के एक्सीडेंट से बच सके। नंबर वन, नेवर गो फॉर अ स्विम अलोन, कभी भी अकेले स्विमिंग करने ना जाए, किसी को अपने साथ लेके जाए, स्पेशली अपने बड़ों को, पेरेंट्स को। डू नॉट गो अप टू द डीप एंड, कभी भी बहुत गहराई वाले पानी की तरफ ना जाएं। अनटिल यू हैव लर्न टू स्विम परफेक्टली, जब तक आपको पूरी तरह से स्विमिंग करना ना आ जाए तब तक आपने जो है डीप वाटर की तरफ नहीं जाना है। ओके, नेवर पुश एनीबडी इन टू द पूल जस्ट फॉर फन, कभी भी किसी को पूल में अपने मजे के लिए या फन के लिए धक्का नहीं देना चाहिए। धक्का देके बच्चे गिरा देते हैं ना बीच में, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। स्विम ओनली वेन देयर इज अ लाइफ गार्ड ऑन ड्यूटी, आपको तभी स्विमिंग करनी चाहिए जब वहाँ पे लाइफ गार्ड ड्यूटी पे हो। गार्ड्स होते हैं बेटे स्विमिंग पूल के पास, जब वो वहाँ पे पास में हो तभी आपने स्विमिंग करनी है, नहीं तो वेट करनी है। ठीक है, आज के लिए बेटा इतने पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।